मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की पॉपुलैरिटी में यकीनन चार चांद लगाते हैं। इस शो की मेजबानी करने का बिग बी का जो अंदाज है वो हर किसी को भाता है। आप सब जानते हैं केबीसी के सेट पर जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन उन सभी के साथ बिग बी जिस तरीके से बातें करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, इतना कंफर्टेबल कि लोग अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से बिग बी के साथ साझा करते हैं। ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार किस्सा कुछ ऐसा साझा कर दिया गया है कि बिग बी, उनका ये शो और ये कंटेस्टेंट लीगल ट्रबल में फंस चुके हैं। सोच कर देखिए जरा, केबीसी के मंच पर एक कंटेस्टेंट आती है, सवाल जवाब के बीच बिग बी से अपने पति के बारे में दो बातें कहती हैं, और उसके बाद पति ने शो पर, चैनल पर और अपनी पत्नी पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये लीगल ट्रबल बिग बी को भारी पड़ेगा, चैनल को भारी पड़ेगा या इस वाइफ को भारी पड़ेगा? क्या है पूरा माजरा? ऐसी क्या बात हुई थी जो बात कानून तक पहुंच गई है? तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में, देखिए जरा। लोगों को मालामाल बनाने वाला टीवी का फेमस क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति हमेशा से ही फैंस का पसंदीदा शो रहा है। अमिताभ बच्चन जिस तरीके से इस क्विज शो में होस्टिंग करते हैं, शो की पॉपुलैरिटी में चार चांद लगते हैं। बिग बी न सिर्फ कंटेस्टेंट से सवाल जवाब करते हैं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल को लेकर भी उनसे सवाल पूछते हैं। अभी फिलहाल एक खबर कौन बनेगा करोड़पति के सेट से आ रही है, और इस शो से लेकर चैनल तक की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल बीते महीने केबीसी के एक एपिसोड में श्रद्धा खरे नाम की कंटेस्टेंट ने भाग लिया और बिग बी के सामने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े संघर्षों के बारे में कई बातें शेयर की। नेशनल टेलीविज़न पर श्रद्धा ने बिग बी के सामने अपने पति के बारे में कहा कि मेरी मुश्किलों में मेरे पति ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। खैर, श्रद्धा का वो एपिसोड तो खत्म हो गया, लेकिन विवाद अब शुरू हुआ है। श्रद्धा के पति विनय खरे ने अपनी पत्नी पर सोनी टीवी के खिलाफ नेशनल टीवी पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है और अपनी पत्नी के साथ साथ सोनी टीवी पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। 20 सितंबर को अपने ट्विटर पर वो इस मुकदमे की जानकारी देते हुए पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, मेरी पत्नी केबीसी की हॉट सीट में बैठी और उन्होंने अंडर ट्रायल केस में मेरा अपमान किया, इसलिए लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें, पत्नी पर खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब विनय ने सोशल मीडिया पर खुलेआम दिया है। बिग बी श्रद्धा की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे, उनके पति ने उनका समर्थन नहीं किया। अब फिलहाल देखना होगा कि ये विवाद जो रियलिटी मंच से शुरू हुआ है, बढ़ता कितना है।